अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं किधर बैठ के सलाम दुआ कर रही हूँ, किधर से वीडियो शुरू कर रही हूँ। और मैं इधर आई हुई हूँ साथ वाली भाभी के घर, शनाज भाभी के, उधर आई हुई हूँ, उनके कमरे में बैठी हुई हूँ। ये जी उनके कमरे का लुक आ रही है, ये देखें जी। ये पहले मैं ऊपर ऊपर लेके जाती हूँ, नीचे मेरी फ्रेंड बैठी हुई हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊँगी इजाज़त लेके। अभी मैं इजाज़त ले लूँ फिर मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। अच्छा ये इधर आ जाएं आप, इधर। ये मेरी एक दोस्त हैं, हाँ जी आप कुछ कहेंगी? मैं क्या कहूँ, कुछ अगर कहना है तो कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग ठीक हैं? सलाम चले जी, की मेरी बहन है। हाँ जी ये हमारी फ्रेंड है, शनाज भाभी की फ्रेंड है, मेरी भी फ्रेंड बनी हुई है। तो इनके घर आई हूँ तो मैंने कहा चलो इधर ही वीडियो शुरू कर देती हूँ, अभी वीडियो मैंने नहीं शुरू की थी। तो चलते हैं इनके ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में इनके की सैर करवाती हूँ, क्योंकि इधर पहले नहीं आई थी, पहले नहीं वीडियो बनाई थी। तो आज मैंने कहा चलो इनके ड्राइंग रूम की वीडियो बना लेते हैं और साथ जो है ना वो भी शेयर करते हैं। चलें ठीक है, अब चलते हैं ड्राइंग रूम में। इनके ड्राइंग रूम में इनका दरवाज़ा तो खुलता ही नहीं है, प्रेस हुआ है। ये जी इधर से दरवाजे से इधर सेंटर हुए हैं। अच्छा ये इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है देखें कितना प्यारा बन रहा है। ये सिस्टम मैंने भी आज ही देखा है, मैंने देखा नहीं था पहले। ये इनका नीचे वाला सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। और ये है जी दीवान, तो ये इनका ये सेटअप हुआ है ड्राइंग रूम में, इन्होंने बड़े मज़े का सेट करवाया है। वाशरूम ये जी इनके कमरे का, ये क्यों इतना आ रहा है? चले जी मज़े का ड्राइंग, हाँ बहुत मज़े का इन्होंने सेट किया हुआ है। ये देखें ऐसी कुछ लुक आ रही है इनकी। ये इन्होंने सोफे भी बनवाए हैं लेकिन मैंने नहीं देखे थे, मैंने इनके पीछे वाले रूम की बनाई थी वीडियो, इधर नहीं मैं आई। जब भी आते थे कोई ना कोई बैठा होता था तो फिर नहीं बन देखी थी, आज मैंने देखा है। ये कारपेट भी नई डली हुई है और पर्दे भी, पर्दे पता नहीं पहले ये थे या नहीं थे मुझे याद नहीं आ रहा। चले चलते हैं अभी बाहर। निकल गया है रिक्शा, रास्ता जगह जगह जो है ना बंद हुए हुए हैं। ले रही थी इधर सब्ज़ी लेने, मैं इधर आ गई हूँ। ये हम ले रहे हैं सब्ज़ी इनसे। अच्छा जी ये ले जी पैसे, कितनी मोटी मोटी तोरी मैंने ली है। अच्छा मोटी मोटी तोरी है इसने दिया, ये शॉपर भी फटा हुआ है ये देखो। ठीक है जी, ये जी बैठा हुआ इधर ऐसे, शाम भी इधर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, मैंने कहा चलो इनसे भी मिलवाने जाते हैं। हाँ जी ऐसे शाम, अस्सलाम वालेकुम, आप शाम करो। वालेकुम सलाम। और इधर बैठा हुआ है जी अरसलान भी, अरसलान का ये पक्का जी डेरा है, ये यहीं पे होता है। इधर इसकी लगी हुई है, ये इसने अपनी चीज़ें चीज़ें देखो लगा हुआ है। अभी भी कुछ ऑनलाइन देख रहा है या क्या देख रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है इधर, टैबलेट्स का वो सब भी कुछ लगाया हुआ है। और साथ देखें ये इनकी चीज़ों का सेटअप, इसने कच किए इधर कल रात को, ये कहा मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूं। ये चीज़ें जनाब, ये इधर भी पड़ी हुई। ओए इधर बंदा आ गया हमारे पीछे पीछे, अभी अभी मेरे पीछे आ गया, मुझे पता ही नहीं है मैं वीडियो को। हाँ चलो शुक्र है अब आए हो, लेकिन बड़े लेट आए हो। और इधर हमारे कपड़े भी देखें धोए हुए हैं, इधर ही पड़े हुए हैं सोफों पे, इधर उधर पड़े हुए हैं, तो माइंड नहीं करना का ये पड़े रहते हैं। और जी फराज कुछ कहेंगे आप? सोया अभी उठ के आए हो, नाश्ता किया नहीं किया? चले फिर नाना आपको सुनाए कैसी है तबीयत उनकी? अच्छा कहीं गए हुए हैं?
अच्छा चलो, उनका पता करने जाना था, लेकिन मैं अभी भी उनको कहा है तेरे चाचा को, तो कहते हैं मैं वापस आता हूँ, फिर जाते हैं शाम को। और ये मिलने आया है जी अरसला ये अतिशाम से, और इसकी गपशप जो है ना चलती है अतिशाम के साथ ही। मैंने जी ये बैठ गए हैं अभी, ये कुछ देख सुन रहे हैं, ये कुछ सीख रहा है कुछ मेरे ख्याल में, अब मुझे नहीं पता क्या कर रहा है, कुछ इसका काम लंबा है थोड़ा सा। ये जी आ गया इधर, सालन तैयार हमारा हो गया, क्योंकि आज हमने बनाई हैं जी तोरियां। ये देखें जी तोरियों की लुक आ गई है कैसी, ये कैसी बनकी, कैसी लग रही हैं तोरियां। ये हो गई हैं तैयार, बस इसका अभी हम क्योंकि इसने घी छोड़ दिया है, इसको अभी उतारने लगे हैं। हाँ जी ये मैच कहाँ तक पहुँचा है, ये देखें जी मैच देख रहा था अरसलान, और अरसलान पता नहीं किधर गया, के निकल गया बाहर। और आपको दिन वाली पिछले ब्लॉग में आरिश ने अतिशाह क्या अरसलान ने आपसे सवाल पूछा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और हमारी लाइट गई हुई थी, अभी आई है लाइट, अब देखते हैं जी कौन जीतता है तो कौन हारता है, मुझे कोई पता नहीं है, अभी मेरी नज़र पड़ी है लाइट बिल्कुल अभी आई है, अभी 6 का टाइम हुआ, 6 हुए तो अभी पता चल जाएगा मैच कब, क्योंकि लाइट अभी आई है। और अरसलान इधर बैठा हुआ था, चला गया वायर, और कोई पता नहीं किधर गया है, फ़ोन आया है बाहर निकल गया है। अभी मैं आई हूँ किचन से, सालन बना रही थी, लेकिन गर्मी का बहुत बुरा हाल है, ये कि हम तैयार हुए थे जाने के लिए उनके ताया अबू के घर अरसलान औरों के आए, तो लेकिन यह कि मेहमान आ गए थे बीच में, थोड़ी देर के लिए रुके हैं, तो जिन बंदों को हमने रोका हुआ था कि जाना है, वो बंदे फिर हमारे हाथ से निकल गए हैं, वो भी चले गए हैं, क्योंकि फराज आया हुआ था, हमने फराज को कहा था चलो छोड़ देगा, उधर मीना बाजी की तरफ ही जाना था नायला के घर, उनका भी पता करना था मीना बाजी का, तो उधर ताया के घर भी इनके जाना था, लेकिन यह कि अभी फिर हो गए 6 बज गए हैं, अभी तो शाम हो गई है, तो फिर सालन शालन बना लिया, देखते हैं अभी कोई टाइम से आया कोई ले गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल जाएंगे सुबह इंशाल्लाह, फिर कल दिन को जाएंगे। तो बाकी यह कि अरसलान ने आपसे सवाल किया था कि कौन जीतेगा कौन हारे, मुझे तो अभी कोई पता नहीं चला, मैंने ध्यान ही नहीं दिया टीवी की तरफ, कोई क्या कर रहा था कोई क्या नहीं कर रहा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो चलिए अभी लगे गया टीवी बाहर लगा हुआ है, मैं अंदर आ गई हूँ, मैंने कहा चलो आपसे ये बात शेयर कर लूँ कि हम तैयार हुए थे जाने के लिए फिर नहीं गए, अभी तक देखते हैं कुछ वापस, क्योंकि आरिश के दादा अबू को कहा था तो उन्होंने भी कहा है कि शाम को ले कर जाऊँगा मैं वापस आऊँगा, अभी तो मुझे जाने दो काम पर, वापस आऊँगा तो ले जाऊँगा, अब वापस वो क्या आते हैं पता नहीं, 7 बजे आते हैं 8 बजे आते हैं, देखें लेके जाते हैं कि नहीं, तो चले साथ साथ रहिएगा, चलो अभी सालन तैयार हो गया है बनता है, रोटियाँ छोटी बनती है फिर खाना छाना खाते हैं, क्योंकि हमारे तकरीबन 7 बजे के बाद ही खाना रोटी बनेगी, तो कहीं 8-9 बजे तक खाना खा के फारिग होंगे, कुछ बार नाश्ता करते हैं 12 से 1 बजे नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद फिर पूरा दिन खाना छाना नहीं खाते, आज तो फिर मैंने चाय पी है, साथ गई थी पारम कृष्णनाथ भाभी के घर गई थी, तो उधर मैंने चाय पी है, दिन को वीडियो भी उधर बनाई है, शुरू की है वीडियो उधर ही, तो आपको पता चल जाएगा। चलो ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह, साथ साथ रहिएगा, वो पता क्या चल जाएगा, मैं अपनी वीडियो जिस तरह बना रही हूँ उसके दौरान में उस तरह की बात की है, लेकिन आपको तो पता चल जाए क्योंकि आप तो वीडियो देख चुके होंगे, पहले वाला सीन देख चुके होंगे, तो मैं अपना जैसे वक्त गुजरा है उस तरह के वक्त के साथ बात कर रही थी। ठीक है जी, चले अभी जाने लगे नायला के घर, तो फराज इधर आगे आरिश बैठ गया है, अजानें शुरू हो गई हैं, लेकिन अब वीडियो बनानी ज़रूरी है कि निकलने लगे हैं, तो ये फराज है, चले जा रहे हैं मिलते हैं, चलो नायला के घर जाके। ये जी हम इधर आ गए, जिसके साथ आए आगे वो बैठा हुआ है, ये जी नमाज पढ़ रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये जी इधर इनके घर पहुंच चुके हैं हम लोग, चलो जी
ये जी हम आ गए इधर, ये जी आ गया खिलौना आरिश को। हाँ जी वाह, खुश हो गया खिलौना देख के। आरिश को अबू बकर से मिलवाने लाए हैं जी। चलो जी नमाज पढ़ लेते हैं हम भी, फिर मिलते हैं इधर जी। ये देखें जी किचन में आ गई हैं, किचन में हो गई है जी रोटी की तैयारी, रोटी बना रही हैं उधर जी। क्या इधर रोटी पक रही है और इधर पेड़े बन रहे हैं और देखते हैं आगे। और इधर हो गया जी सालन तैयार। हो तो साग कौन सा बनाया है? अच्छा ये तो मज़े मज़े का कुछ हो लग रहा है। तो चले रोटी बनती है, फिर मिलते हैं आगे। और किधर गए जी? इधर बैठा हुआ है फराज जिसके साथ आए थे हम लोग। और इधर बच्चे भी जो है ना खेल रहे हैं। और इधर जो है बाजी बैठी हुई हैं, इधर आरिश है, इधर हमारा जी साथ साथ चल रहा है जी हमारा। किधर गया नज़र नहीं आ रहा। ये हमारा व्लॉग चल रहा है जी, व्लॉग देखा जा रहा है। क्या है फाफिया और अबू बकर वो भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। और ये बेचारा छोटा बच्चा गेम खेल रहा है, छोटे खिलौने से खेल रहा है। कुछ भी लाइक करें और जो आगे आगे शेयर भी करें जी, सब्सक्राइब करवाएं। शेयर बात की बात आ या लाइक करें बस, जो देख रहे वीडियो पर लाइक कर। अच्छा जी 2 मिनट नहीं लगेगी वो, उसके 2 मिनट या 2 सेकंड नहीं लगेगी, नीचे से लाइक कर दो। चलिए कर दो। और बाजी जो है ना अभी और कोई व्लॉग खोल रही है और कोई देखने लगी है जी। चले जी कि आरिश के इधर भी खिलौने हैं, अबू बकर ने खोल दिए। अबू बकर किसने खोल के खिलौने दे के खुद जो है ना मोबाइल पे चला गया है। और इधर जो है आरिश इधर बैठा खड़ा है, कोई एप्पल खा रहा है ये जी। अच्छा जी इधर एप्पल छीला जा रहा है और एप्पल खा रहा है आरिश। इधर जी हम बैठे हुए हैं, ये जी इधर लग गया जी खाना। और आरिश पहले से बैठा हुआ है और आरिश की दादो आंटी भी बैठी, आंटी दादो भी बैठी हुई हैं, बच्चे भी इधर बैठे हुए हैं। आरिश इधर इधर आ गई हैं, रोटियां भी। चले जी अब खाना, बैठो जी खाना खाते हैं, बैठते हैं। इसी में डालूं साग? इधर जी पाओ थोड़ी सी दाल। दाल नहीं डालनी, चले ये खाना शुरू करते हैं। चले जी अभी हम चलते हैं तो इनके ताया लोगों के घर, आरिश और अरसलान के ताया के घर जा रहे हैं। खाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा के फारिग हो चुके हैं, चल रहे हैं अभी उनके घर। किधर है मामू का दो? ओहो ये तो इधर ही आ गए, हम जा रहे थे इनके घर। ये चला गया जी आरिश, चला गया बड़े दादा अबू के पास। हम जा रहे थे इनके घर लेकिन वो इधर आ गए हैं, आप इनसे इधर ही मुलाकात। आरिश मजे से बैठा हुआ है, ये भी जी आ गए इधर ही। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह घर हम पहुँच चुके हैं और आरिश के दादा को सुन रहे हैं खबरें। तो आरिश वो चला गया तो शाम जी निकल गया बाहर रात के साथ, और क्या नाम है अरसलान भी उधर बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में, खाना इन्होंने खा लिया, साधन बना कर गए थे। तो रोटी का मैंने पूछा नहीं है, लाए हैं गए खुद बनाई है, ने क्या किया है, खाना सब ने खा लिया है। तो आवाज़ टीवी की फुल इन्होंने खोली हुई है, खबरें सुन रहे हैं, तो बीच में ब्रेक हुई हुई है
तो चलें फिर ये है कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। आपसे चाहिए मैं इजाज़त, दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और ये देखें आरिश मेरे पीछे आ गया भागता हुआ, ये देखें और इसको चीज़ें नज़र आ गई हैं, ये चार्जर वगैरह। आरिश इधर देखो, अल्लाह हाफिज़ बोलो आरिश, आरिश इधर अल्लाह हाफिज़ बोलो आरिश, अल्लाह हाफिज़ इधर देख के देख के देख के देख के अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़ बोलो।